भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जगह राष्ट्रपुत्र बताया। भोपाल रेलवे स्टेशन के एक कार्यक्रम में प्रज्ञा ने पत्रकारों के एक जवाब में जो कि पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि गांधी जी राष्ट्रपुत्र हैं। गांधी जी राष्ट्रपुत्र हैं, हम ये मानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में है। इस साध्वी ने अपने बयान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र कह दिया। साध्वी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र हैं और हमारे लिए आदरणीय। दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा से मीडिया कर्मियों ने उनके संकल्प यात्रा में अब तक शामिल न होने को लेकर सवाल किया था। इस सवाल को टालते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि गांधी राष्ट्रपुत्र हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन मुझे किसी को सफाई नहीं देनी। गांधी जी राष्ट्रपुत्र हैं, गांधी जी इस धरा के पुत्र हैं, राम इस धरा के पुत्र हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज इस धरा के पुत्र हैं। देश के लिए जिसने भी जो कार्य सराहनीय किया है निश्चित रूप से वो हमारे लिए आदरणीय होता है और परम आदरणीय होता है। हम उनके कदमों पर चलते हैं। हमारे जो लोग हैं जो हमें मार्गदर्शन दे करके गए हैं निश्चित रूप से हम उनके गुणगानों का गुणगान करते हैं। उनके कदमों पर चल करके हम लोगों को आगे मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम भी उन्हीं कदमों के अनुगामी होते हैं और हम जो कह के करके जाते हैं, जो हम कर्म करके जाते हैं, आगे हमारी पीढ़ियां करती हैं। इतना ही नहीं, साध्वी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो चाहे कहे, कांग्रेस के कहने से हम अपने सिद्धांतों को नहीं बदलेंगे। कांग्रेस के कहने से हम अपने सिद्धांतों को नहीं बदलेंगे। कांग्रेस के कहने से हम उनके अपने सिद्धांतों को ना ही बदलेंगे और ना ही उनके जोड़ेंगे। जो अच्छा है स्वीकार है और जो गलत है वो अस्वीकार है, चाहे कांग्रेस कहे चाहे अन्य कोई कहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जिसने जो भी सराहनीय कार्य किया है वो हमारे लिए आदरणीय होता है। वहीं मध्य प्रदेश की जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने पर साध्वी पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे का पूजक बताया। कथित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से मुझे इसलिए नहीं चुना गया है कि मैं कोई सड़क और नाली की बात करूं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि सड़क पानी नाला या किसी की पारिवारिक समस्या है तो उसका भी निराकरण करे। अब वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र कह रही हैं। महात्मा हिंदुस्तान का एक एक पुत्र जो है वो राष्ट्रपुत्र है और राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है, जिसको कि प्रधानमंत्री भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि नाथूराम गोडसे की पूजक हैं, इसलिए महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो 10 दिन की बात कही थी उस समय चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी इन पर एक्शन लेंगे, वो हो सकता है 10 दिन वो आज से शुरू हो जाए। इन 10 दिनों के अंदर कोई इनके खिलाफ फैसला हो जाए, इनका चुनाव इनसे पार्टी से निकाला जाए और इस्तीफा ले लिया जाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिस पर राजनीति बवाल खड़ा हो गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि वो इस बयान के लिए साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाएंगे। R9 TV के लिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।